फैशन डिजाइनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे वुलन कपड़े में प्लाजो। और मींस क्या है वुलन कपड़े में हम या सिंपल कपड़े में हम प्लाजो बना सकते हैं, लेकिन रीजन ये है इसका कि जो इसका अर्ज है वो काफी कम होता है वुलन का। काफी कपड़ों में जो ये कश्मीरी कश्मीर वगैरह से आते हैं तो इन ये छोटे अड्डे पे बनते हैं, तो इनका जो अर्ज होता है वो बहुत कम होता है। तो हम इसमें हेल्दी लेडीज का वो बनाएंगे प्लाजो। और कैसे बनाते हैं ये देखो, हाफ करने के बाद इसका अर्ज बहुत ही ज्यादा कम है, ये कंप्लीट नहीं है। इसमें से हमें अपनी कान वगैरह भी निकालनी है, तो हम इसको प्रेस वगैरह करेंगे, उसके बाद ही हम इसे कट करेंगे। कई बार हमारा क्रोच एरिया नहीं बन पाता, फ्रंट बन जाएगा लेकिन बैक नहीं बन पाता है। और ये टोटल हमारा 14.5 के करीब है इसका अर्ज जो है, यानी 28 29 इंच ही इसमें अर्ज है टोटल, 34 इंच भी नहीं है, सिर्फ 29 इंच है। तो हम इसमें प्लाजो कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं कटिंग करके। पहले हमें इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है क्योंकि इसमें कान है, ये देखिए आपको दिखाई भी देगा इधर से, ये देखिए ये कान है इसमें, ये देखो ये यहाँ पे है और ये इतना फर्क है। तो ये धीरे धीरे करके हम ये कान निकालेंगे। पहले ये देखो आगे भी ये कान बन चुकी है, तो इसको पहले फिनिश करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम इसमें प्लाजो की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने इस पे कम्प्लीटली प्रेस कर लिया है, काफ़ी अच्छे से हम इसे प्रेस कर चुके हैं। और जो हमारी कान है वो देखिए, ये हमारी कान है। इसे हम एल स्केल के सहायता से हम इसे सीधा करेंगे, आप किसी भी स्केल से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको एल ही कर, लेकिन एल से ही होता है कि वो 90 डिग्री के कोण पे बना हुआ होता है। ये जो स्केल है एल वाला, ये 90 डिग्री के कोण पे है। तो जो कान हमें निकालनी है वो काफ़ी अच्छे से निकाल सकते हैं। अब हम इसे, चाहे तो आप इधर से रखें या उधर से रखें, बात एक ही है, ये कोई चीज़ नहीं कि मैं यहाँ से, क्योंकि मैं दिखाने के लिए आप यहाँ से रख ली ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, ऐसे हम रखेंगे, इस तरीके से हम निशान लगाएंगे और स्केल की सहायता से हम इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम इसे कट कर देंगे और कान को निकाल के एक साइड कर देंगे। ये हमारी जो कान है, जो तिरछापन है वो निकल चुका है। आगे हम इसका कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। इनकी जो हिप है वो 42 इंच है, हम इसमें 2+ करेंगे 44, और 44 का हम फोर्थ लेंगे यानी 11। आप जो किनारी वाला हिस्सा है उसे निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप किनारी लें, क्योंकि किनारी वाला हिस्सा निकालने में ही अच्छा होता है, वरना खिंचाव आता है। हम इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक 11, मतलब कि 11 इंच हम लगाएंगे माप, एक स्क्वायर बन जाता है 11 इंच, ऐसे करके ऐसे करके। ये हर एक पैंट का अलग माप होता है, जैसे किसी की 40 हिप है तो उसमें आप 2+ कर लेंगे तो फिर 10.5 पे आ जाएगा। इस तरीके से आप बनाएंगे। क्रोच एरिया हम 2 इंच पे लेंगे, आप 1.5 भी ले सकती हैं, लेकिन फ्रंट का मैं 2 इंच पे लगाती हूँ ताकि खिंचाव ना बने। ऊपर से यहाँ से 1/2 इंच हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे, आप पहले भी कर सकते हो, आप बाद में भी कर सकते हो। और इसको हम यहाँ से, ये हमारा क्रोच एरिया है, इसे हम यहाँ से स्केल की सहायता से ऐसे तिरछा मिला लेंगे, डाउन करेंगे क्रोच की साइड। ये ध्यान रखना है क्रोच की साइड हमें डाउन करना है, फ्रंट हिस्सा, बैक नहीं है, ये हमारा फ्रंट है। और यहाँ से भी हम 11 का स्क्वायर बनाएंगे, ये हमारा स्क्वायर बन चुका है। अब हम इनकी लेंथ का माप लेंगे, लेंथ हमारी 36 इंच है और हमें इसमें बेल्ट लगानी है ऊपर। आप चाहे तो 1 इंच माइनस करके भी आप चल सकते हैं, या फिर आप सीधा 36 भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बाद में माइनस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है, नीचे जाके माइनस हो जाएगा। आप यहाँ देखो, जैसे कि आप यहाँ से 36 लेंगे तो 1/2 इंच तो यहीं पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे डाउन किया, यहाँ पे वन, तो धीरे धीरे आते 1/2 इंच हो जाता है। आप इस तरीके से 36 लगाएंगे। अगर आप तुरपाई करना चाहते हो तो आप नीचे से फोल्ड करते वक्त, अगर आप तुरपाई करना चाहते हो तो आप 2.5 इंच ले सकते हो। आपको थोड़ा चौड़ा मोड़ना है, यानी टर्निंग, जो टर्निंग हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे, हमें कितना मोड़ना है। मुझे थोड़ा सा चौड़ा मोड़ना है इसलिए मैं उसमें 2.5 इंच प्लस करूंगी। मैंने यहाँ इनको 38.5 इंच लिया है, उसके बाद हम स्केल की सहायता से इसे मिलाएंगे, जो हमारे लेग शेपर होते हैं उनसे, इस तरीके से ये हमारे लेग शेपर होते हैं, ये देखिए इनमें थोड़ा सा घुमाव होता है, इस तरीके से हम इनकी सहायता से मिलाएंगे। लेकिन पहले हम कंप्लीट उसको वहां से माप लगा लेते हैं, उसके बाद ही हम इसको मिलाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड, हमने इस तरीके से यहाँ से क्रोच एरिया से लेकर वहां तक हमने इस स्केल की सहायता से माप लगा लिया है। ये देखिए ऐसे रख के हमने इसको ऐसे माप लगाया है, और ऐसे ही जो हमने यहाँ पे स्क्वायर बनाया था 11 इंची का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो हमने स्क्वायर बनाया था 11 इंची का, यहाँ पे भी हमने इसी स्केल को ऐसे रखा है, ऐसे माप लिया। और हाँ, उसके साथ हमें ये भी माप लेना है कि उनकी थाई कितनी है। थाई उनकी 25 थी, तो यहाँ पे हम ऐसे रखते हैं। वैसे हमें क्रोच एरिया से 3 इंच नीचे जाना है थाई के लिए, तो आप ऐसे थाई के लिए जाएंगे, तो ये हमारी ये देखिए 12.5 पे है, ये देखिए 12.5 पे है, देखिए हम ये हमारी 25 इनकी थाई निकल चुकी है। अब हम इसे कट करेंगे और इसका बैक भी हम इसके ऊपर रख के लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका बीज करेंगे। हमने आपको बताया था हमें इसकी किनारी छोड़नी है, तो मैंने किनारी कट नहीं किया, मैं अंदर की साइड उसे छोड़ दूंगी। उसके हिसाब से मैं जो मेरा 11 का स्क्वायर है उसका हाफ करूंगी, यानी 5.5 ऐसे लंबाई में मैं इसे 6 पे दूंगी। डार्ट डालनी है मुझे ताकि इसकी ग्रीफ अच्छी बन के आए और ये थोड़ा सुंदर लगे। अब मैं इसे कट कर लूंगी, और कट करने के बाद मैं इसे इससे मैं जब अपना बैक निकालूंगी तो उसके ऊपर इसे रखूंगी और इस तरीके से मैं कट करूंगी। ये देखिए हम इसे डाउन कर देंगे इस तरीके से, ये मैं कट कर चुकी हूँ जो मैंने 1 इंच डाउन किया था। अगर मैं आपको पूरी कटिंग करके दिखाऊंगी तो ये वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे स्किप करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हम कटिंग कर चुके हैं इस तरीके से, ये देखिए ये हमने डार्ट के लिए निशान लगाया, ये हमारा क्रोच एरिया है। अब हम इसे बैक पे रखेंगे और बैक निकालेंगे। अब हमने फ्रंट फैब्रिक पर मतलब फ्रंट फैब्रिक को बैक पर बिछा लिया है, ये हमारा बैक है। यहाँ से मैंने इसको 5.5 इंच छोड़ा है, आप 5 छोड़ सकते हो, 5.5 छोड़ सकते हो। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो यहाँ से 2 इंच ऊपर कीजिए और आप अलग से इलास्टिक का मोड़ सकते हो कपड़ा लगाकर, मैंने इसी में छोड़ा हुआ है। इधर से हम कॉर्नर से हम यहाँ से 3 इंच लेंगे, क्योंकि वो हमारा सिलाई में चला जाएगा जब फोल्डिंग करेंगे, क्योंकि मेरी जो रबड़ है वो 2 इंच की है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं। क्रोच एरिया हम यहाँ से 2 इंच आगे बढ़ाएंगे और इसी तरीके से हम इनको मिलाएंगे। ये आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी चला जाता है। देखिए मैं 2 इंच बढ़ा चुकी, ऐसे ही 2 इंच हम इसको भी बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ बढ़ाया और इसे आपस में ऐसे मिला देंगे जहाँ तक ये मिलता है इस तरीके से। यहाँ पे मैंने 3 इंच, 3 इंच से आप थोड़ा सा कम ले सकते हैं, जितना भी आपका इलास्टिक है उसी हिसाब से आप लीजिए, ऐसे नहीं ले सकते बिना रबड़ के। आप चाहे तो अलग से फोल्ड कर सकते हैं फैब्रिक को, ज़रूरी नहीं कि आप इसी में ले। ये हम ले चुके हैं, हम क्रोच एरिया निकाल चुके हैं। अब हमें वहाँ पे मोरिंग पे जाके इसको मिलाना है, डायरेक्ट ऐसे नहीं कट करना। जो हमारा कॉर्नर हिस्सा है मोरी का उसे हम दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे इस तरीके से, और इसे हम अपने लेग शेपर की सहायता से मिलाएंगे। ये देखिए आप चाहे तो इसे ऐसे भी मिला सकते हो, अगर आपको नहीं है कि हमें थोड़ा सा और आध पौन इंच हमारी मोरी जो है वो एक्स्ट्रा हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो आप उसके लिए ऐसे भी कर सकते हो, और ना नहीं तो आप यहाँ पे भी इसे खत्म कर सकते हो लाकर। आपको इतना ही चाहिए तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी, मर्जी होती है। इसको इधर या उधर करने से कोई परेशानी नहीं होती, एक्चुअल में फिटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी आ जाती है और कुछ नहीं है। आप इधर कर रहे हो या उधर कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको ज्यादा फिटेड चाहिए होता तो आप इनको बिल्कुल ऐसे ही मिला सकते हैं, फ्रंट वाली जो फ्रंट हिस्सा है उसकी मोरी से। अगर आपको थोड़ा चौड़ा चाहिए तो आप 1 इंच उसमें और आगे जा सकते हैं, और इस तरीके से आप इसे कट करेंगे। इस तरीके से हमारे प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। आप चाहें तो बैक में भी डार्ट डाल सकते हैं, बैक में भी डार्ट डालने का सेम प्रोसीजर है। यहाँ से यहाँ तक आप लेंगे और उसका बीच करेंगे और उसी हिसाब से आप डार्ट की लंबाई लगाएंगे। जैसे कि आप मेरा यहाँ पे 7 आता है हाफ में, तो मैं 7 ही नीचे ले जाऊँगी। आप 6 भी ले जा सकते हो आप, बट 7 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, थोड़ा गंदा लगता है। मैं इसमें नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये वूलन है, इसमें खिसकने का डर है पीछे से। सबको पता है कि लेडीज़ की हिप थोड़ी ज़्यादा होती हैं तो खिसक सकती है, इसलिए मैं इसमें डार्ट नहीं लगाऊंगी। वरना मैं लगाती हूँ हमेशा, जैसे मैंने फ्रंट में डाली है, जैसे मैंने फ्रंट का, ये मेरी फ्रंट है
और ये इसके दोनों पार्ट है, ये देखिए मैंने डाले, लेकिन मैं बैक में नहीं डालूंगी। उसके बाद मैं इसमें पॉकेट कट करूंगी, आपको मैं पॉकेट कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरीके से फैब्रिक ले लिया है। हम इसे 6 बाई 14 मतलब 12 बाई 14 का लेंगे आप इसे। हाँ ये डबल फैब्रिक है, सिंगल नहीं है। ये आप देखिए आप इसे हाफ करेंगे यानी इसे 6 पे ले जाएंगे और अपने इंची टेप से ऐसे मापेंगे जैसे भी हो, और इसे 14 इंची पे इसका एक माप लगाएंगे आप इस तरीके से। ये 14 पे लग चुका है और इसे मिला देंगे। आप चाहे तो इसकी शेप को गोलाई में भी दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको इस ऐसे भी दे सकते हैं। मैं इसे सीधा ही रखूंगी, आप चाहे तो इसको ऐसे गोल कर सकते हैं, एप्पल शेप दे सकते हैं, और आप चाहे तो इसे सीधा रख सकते हैं। तो मैं इसे सीधा ही रखूंगी, मैं इसे कोई एप्पल शेप नहीं देने वाली। मर्जी होती है आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, या आपसे क्या मांगा गया है, आपका कस्टमर आपसे क्या कह रहा है, आप उसे जरूर सुनिए, क्योंकि वो है तो हम हैं और तभी हमारा काम चलता है, तभी हमारा घर चलता है। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। किसी का फैशन भी हो सकता है कि उन्हें स्टिच करना ज़्यादा पसंद है, कपड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन करना ज़्यादा पसंद है, किसी की मजबूरी होती है। तो आप अपने कस्टमर की ज़रूर सुने और आगे काम करें, ठीक है। उसके बाद जब हम स्टिच करेंगे तब देखते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे हम स्टिच कर रहे हैं, कैसे क्या यूज़ कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ तक कर, ओके बाय फ्रेंड, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।